Very good morning, class. Welcome back again in our science class. You are with Poonam Kaushik, your science teacher. So let's start our class. Today we will start chapter 5, food and digestion. In this chapter, we will cover these topics: nutrients in our food, cooking the food, digestion of food. As you know, food is very important for all living beings. Food is necessary for their survival, right? तो हमारे food में nutrients कौन-कौन से present हैं? We will read in this chapter and cooking of the food कि food को हम preserve कैसे रख सकते हैं, cook कैसे करते हैं, right? And digestion of food. Digestion जो हम food खाते हैं, the food we eat, how it is digested in our body. वो हमारी body में कैसे digest होता है? We cover these all topic in this chapter. So, let's start reading of our chapter. Here is our chapter 5, food and digestion. Food is necessary to live. All living beings need food for their survival. आपको पता है फूड इज वेरी नेसेसरी फॉर आवर सर्वाइवल और फॉर ऑल लिविंग बींग्स. आइदर वो प्लांट है या एनिमल है, सबको ही फूड चाहिए होता है. बिकॉज फूड गिव्स देम एनर्जी टू वर्क, इट कीप्स देम हेल्दी, इट ऑल्सो प्रोटेक्ट देम फ्रॉम डिजीज. तो दीज आर द फंक्शन ऑफ द फूड, कि फूड से हमें क्या बेनिफिट्स हैं, हम क्यों खाते हैं फूड. बिकॉज फूड गिव्स देम एनर्जी, फर्स्ट फंक्शन इज इट गिव्स अस एनर्जी. Second, it keeps them healthy. Yeah, it keeps us healthy and it also protects us from the disease. हमें disease यानी बीमारियों से भी protect करते हैं और हमें healthy रखते हैं, right? So we eat different types of food such as wheat, rice, pulses, vegetables, fruits, spices and edible oils. हम बहुत कुछ खाते हैं, variety of food होती है. जब भी आप खाना खाते हैं तो आप पूरे दिन में आप अगर आप 2 या 3 टाइम्स फूड लेते हैं तो आपका फूड सेम नहीं होता है, वो डिफरेंट होता है, राइट. मॉर्निंग में आप ब्रेकफास्ट में कुछ लेते हैं, लंच में कुछ, डिनर में कुछ, तो वो फूड जो होता है उसमें वैरायटी होती है, अलग अलग होते हैं. यहाँ पर कुछ दिया है फूड्स जैसे वीट, राइस, पल्सेस, वेजिटेबल्स, फ्रूट, स्पाइसिस, एडिबल ऑयल्स. तो द फूड वी ईट कंटेन सम एसेंशियल सब्सटेंस. दीज एसेंशियल सब्सटेंस जो बहुत जरूरी होते हैं फूड में, अगर वो फूड में ना हो तो वो फूड हमें कुछ भी नहीं देगा, ना वो हमें एनर्जी देगा, ना हमें वो हेल्थ हमारी हेल्थ मेंटेन करेगा, ना हमें डिजीज से बचाएगा. तो फूड में हमें कुछ एसेंशियल सब्सटेंस बहुत जरूरी होते हैं, दे आर कॉल्ड द न्यूट्रिएंट्स. द फूड वी ईट कंटेन सम एसेंशियल सब्सटेंस दैट इज कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स. दीज प्रोवाइड नरिशमेंट टू द बॉडी, ये हमारी बॉडी को नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं. डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स नरिश आवर बॉडी डिफरेंटली, अलग अलग न्यूट्रिएंट्स होते हैं. मैंने बताया था हम इसमें पढ़ेंगे न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड. तो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो एसेंशियल सब्सटेंस प्रेजेंट है हमारे फूड में, और वो क्या क्या होते हैं. कुछ न्यूट्रिएंट्स हमें एनर्जी देते हैं, कुछ हमें बिल्ड द मसल्स, हमारी जो मसल्स है उसको बिल्ड करने में, सम हेल्प अस टू फाइट विद द डिजीज, कुछ हमें डिजीज से फाइट करने में हेल्प करते हैं. अब हम उन न्यूट्रिएंट्स के बारे में ही पढ़ेंगे. सबसे पहले जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो होते हैं हमारे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट, विटामिन एंड मिनरल्स, जो बहुत मस्ट होते हैं. इसके अलावा हम रफेज और वाटर भी लेते हैं हम अपनी डाइट में, रफेज एंड वाटर, ठीक है. तो ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं दे आर एसेंशियल फॉर द प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी, राइट. अगर ये न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है तो हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, क्लियर. तो दीज आर एसेंशियल फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन आवर बॉडी. तो हम बात करेंगे, फर्स्ट इज कार्बोहाइड्रेट्स. कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स को हम एनर्जी गिविंग फूड बोलते हैं. बिकॉज कार्बोहाइड्रेट्स गिव्स अस एनर्जी टू वर्क, राइट. तो कार्बोहाइड्रेट्स डिफरेंट फूड आइटम्स लाइक फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सीरियल्स, चॉकलेट्स एंड स्वीट्स कंटेन कार्बोहाइड्रेट्स. दीज आर द कार्बोहाइड्रेट रिच फूड, पोटैटो, राइस, बटर. तो पीपल हु डू फिजिकल वर्क नीड अ डाइट रिच इन कार्बोहाइड्रेट. जो फिजिकल वर्क करते हैं ना, जैसे लेबर्स होते हैं जो सारा दिन उनको फिजिकल वर्क करना है, तो वे दे नीड अ रिच
डाइट ऑफ कार्बोहाइड्रेट, उनकी जो खाना है उसमें कार्बोहाइड्रेट्स ज्यादा होना चाहिए. वे गेट कार्बोहाइड्रेट्स इनटू टू फॉर्म, शुगर एंड स्टार्च. कार्बोहाइड्रेट्स हम दो फॉर्म्स में लेते हैं, शुगर एंड स्टार्च. राइस, व्हीट, मेज एंड पोटैटो आर रिच सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स. राइस, व्हीट, मेज एंड पोटैटो, दे आर द रिच सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट. टू मच भी नहीं, हमें बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट, बिकॉज इट कैन मेक अस फैट. जो फिजिकल वर्क ज्यादा करते हैं वो एनर्जी हम अपनी यूज कर लेते हैं, बट जो फिजिकल वर्क नहीं करते और वो कार्बोहाइड्रेट्स ज्यादा इंटेक कर रहे हैं, टू मच इंटेक हो रहा है उनका कार्बोहाइड्रेट्स का, तो वो उनको फैटी कर देता है, फैट में डिपॉजिट हो जाता है. क्लियर स्टूडेंट्स? तो नेक्स्ट इज आवर प्रोटीन. प्रोटीन इज ऑल्सो नोन एज बॉडी बिल्डिंग फूड. तो प्रोटीन हेल्प अस इन बॉडी बिल्डिंग, इन इट हेल्प्स इन ग्रोथ. चिल्ड्रन मस्ट टेक फूड रिच इन प्रोटीन. इट हेल्प अस टू इन द रिपेयर ऑफ वॉर्न आउट सेल्स. जो हमारे सेल्स वॉर्न आउट हो गए हैं उनको रिपेयरिंग में, मसल्स को बिल्डअप करने में, इन सब में हमारा प्रोटीन हेल्प आता है. अगर आपने देखा होगा जो बॉडी बिल्डिंग में लोग जाते हैं, मसल्स बनाते हैं, दे टेक रिच डाइट ऑफ प्रोटीन बिकॉज इट इज अ बॉडी बिल्डिंग फूड. इट ऑल्सो हेल्प अस इन द रिपेयर ऑफ वर्न आउट सेल्स. पल्सिस, पीस, बीन्स, चीज, एग, फिश एंड मीट आर रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन्स, राइट? प्रोटीन्स आर ऑल्सो कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड्स. दीज आर द सोर्सेज ऑफ प्रोटीन. नाउ फैट्स. फैट्स भी हमारा एनर्जी गिविंग फूड होता है. इट ऑल्सो गिव्स अस एनर्जी, राइट? फैट्स ऑल्सो प्रोवाइड अस हीट एंड एनर्जी. दे प्रोवाइड मोर हीट एंड एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट्स. ये हमें कार्बोहाइड्रेट से भी ज्यादा एनर्जी इन फूड, बट फैट जो होता है हम ज्यादा नहीं ले सकते, है ना? कार्बोहाइड्रेट तो हम ले लेते हैं बट फैट को हम ज्यादा नहीं ले सकते हैं, क्योंकि ये हमें फैटी कर देगा, ओबीज बना देगा, मोटा कर देगा हमें. फैट इज स्टोर्ड इन आवर बॉडी टू कीप अस वार्म. हमारा फैट, ऑयल, नट, बटर, घी, जितने भी हमारे ऑयल है, नट्स है, बटर है, इसमें सब में फैट्स होता है. वी शुड टेक फैट ओनली इन लिमिटेड क्वांटिटी. आपको पता है जैसे हम कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं, जैसे हम चपाती खाते हैं या राइस लेते हैं, तो हम इतना का वो हम ज्यादा क्वांटिटी में लेते हैं, बट फैट्स को हम बहुत लिमिटेड क्वांटिटी में लेते हैं, बिकॉज टू मच ऑफ ऑयली थिंग्स मेक अस फैट एंड ओबीस, राइट? फैट ऑल्सो आर एनर्जी गिविंग फूड्स. नाउ विटामिन एंड मिनरल्स. विटामिन एंड मिनरल्स कीप्स अस हेल्दी एंड फाइटिंग अगेंस्ट डिजीज. विटामिन एंड मिनरल्स आर द प्रोटेक्टिव फूड बिकॉज दे फाइट अगेंस्ट डिजीज. दे प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द डिजीज. दे हेल्प अस इन फॉर्मेशन ऑफ टीथ, बोन्स एंड ब्लड. जो हमें फॉर्मेशन ऑफ टीथ, बोन्स एंड ब्लड में हमें हेल्प करता है. वी नीड विटामिन एंड मिनरल्स इन स्मॉल क्वांटिटी. इसको हमें ज्यादा नहीं लेने की जरूरत होती है, हमें स्मॉल क्वांटिटी ही हमें बहुत है, बट वी मस्ट टेक देम रेगुलरली. बट हमें रेगुलरली लेना है. सम मिनरल्स लाइक कैल्शियम, आयरन, पोटेशियम, आयोडीन एंड सॉल्ट आर एसेंशियली नीडेड इन स्मॉल अमाउंट बाय वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी. तो ये मिनरल्स हमें जरूरी है, जैसे कैल्शियम बोन के लिए है, आयरन ब्लड के लिए है, ऐसे आयोडीन है, सॉल्ट है, तो ये हमें थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में हमें डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को जो हमारे उनको जरूरत होती है, तो वी शुड टेक देम रेगुलरली. उन्हें हमें रेगुलरली लेना चाहिए. क्लियर स्टूडेंट्स? तो वी गेट विटामिन एंड मिनरल्स फ्रॉम फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. हमें फ्रूट्स और वेजिटेबल्स से मिलते हैं विटामिन एंड मिनरल्स. मिल्क एंड एग्स से. विटामिन एंड मिनरल्स आर नोन एज प्रोटेक्टिव फूड, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है. दे आर कॉल्ड द प्रोटेक्टिव फूड. दीज आर द सोर्सेज ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स. सो रफेज, वी विल कंटिन्यू इन आवर नेक्स्ट क्लास. रफेज, आई होप यू अंडरस्टूड दीज ऑल द न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन आवर फूड. योर होमवर्क इज टू रीड दीज टू पेजेस, 48, पेज नंबर 48 एंड 49. क्लियर स्टूडेंट्स? थैंक यू.